केंद्र सरकार सूचना के अधिकार कानून में संशोधन के जरिए बदलाव लाने जा रही है। इस संशोधन में केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों की सैलरी और उनके कार्यकाल को केंद्र सरकार द्वारा तय करने का प्रावधान रखा गया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि ये सरकार शुरू से ही स्वतंत्र संस्थाओं को कमजोर कर अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रही है। पीएल पुनिया से बात की हमारे सहयोगी अजय झा ने। सरकार आरटीआई कानून में संशोधन के जरिए बदलाव लाने जा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हैं। सर, आपको लगता है कि अगर पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में अगर आरटीआई के जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी, उनका भत्ता सब कुछ चला जाएगा तो जो एक ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता है, वो खत्म हो जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है तब से इनकी कोशिश है कि जो संस्थाएँ जिनमें स्वायत्तता है, जिसमें इंडिपेंडेंस है और जो अपने स्वेच्छा से स्वतंत्र होकर काम करते हैं, उन सबको कमज़ोर किया जाए और जहाँ तक हो सके उनके नियंत्रण में किया जाए। जो आरटीआई में जो संशोधन लाना प्रस्तावित है उसके माध्यम से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कमिश्नर्स और जितना भी पैराफेरनेलिया है उसको एक इंडिपेंडेंस को ख़त्म करके और केवल एक विभाग की तरह से उसको ट्रीट कर रहे हैं और उससे आज सरकार से को आदेश देते हैं कि इसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, उस पर जुर्माना भी करते हैं। एक विभाग बन जाएगा, सब कुछ सरकार का अगर उसको कंट्रोल करेगी तो फिर वो नहीं कर पाएंगे। और जिस मंशा के साथ में यूपीए सरकार के दौरान में ये कानून बना था, आरटीआई कानून गया था, वो पर्पज ही डिफीट हो जाएगा तो उससे क्या लाभ है? लगता है कि ये पूरी तरह से टूथलेस और सरकार के कंट्रोल में लाने की कोशिश के तहत ये सब किया जा रहा है, क्योंकि एक सामान्य आदमी भी आरटीआई एक ऐसा हथियार था जिसके जरिए किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को मांग सकता था सरकार से, तो अब ये टूथलेस हो जाएगा अगर इस तरह का संशोधन आया। देखिए, ये तो जाहिर है, जब एक विभाग की तरह से सरकार इनको नियंत्रण में रखेगी तो इसमें इनकी जो हनक है, जो इनका प्रभाव है, जो इनसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर से जो डर है सरकार को, वो तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो उनकी कोई शक्ति नहीं रही, टूथलेस जिसको कहना चाहिए उस तरह का संगठन बन जाएगा। तो जो मंशा थी आरटीआई को लाने की, सरकार पर निमंत्रण करने की, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए, तो वो सब ख़त्म हो जाएगा इससे। धन्यवाद। तो साफ तौर से पुनिया जी का कहना है कि एक आरटीआई जो एक बड़ा हथियार था आम लोगों के हाथ में, जिसके जरिए वो एक इन्फॉर्मेशन सरकार से के तमाम एजेंसियों से मांग सकते थे, वो कहीं ना कहीं अगर इस कानून को डाइल्यूट किया जाता है तो वो टूथलेस हो जाएगा। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।